हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से न्यू पूर्व उपग्रह प्रधान के साथ बैठे ये हमारी दीदी है। नमस्कार दीदी जी। देवी जी नमस्कार। नमस्कार। ये हमारे पूर्व ग्राम उप प्रधान हैं। 10 साल है आप? 10 साल रहे। अब देखो इनकी 10 साल, ये अब काफ़ी उम्र हो चुकी है इनकी। ये अपने बारे में बताएंगे और कैसी इनकी ज़िंदगी की जर्नी रही है ना दीदी, कैसी इनकी ज़िंदगी की जर्नी रही और कैसे जिंदगी। अब ये बढ़िया कानून काम होना है। क्या है, क्या नाम देवी दी की बात करना है? काम करना है तो फिर तो काम करना है। बुढ़िया कानून काम करना है। अब मेरे को मरना ही अच्छा लगता है। मरना तो सपने ही एक दिन, वो तो जिस दिन आएगा वो पता भी नहीं चलेगा किसने कब मरना। नाती पोता हो गई, अब बुढ़े हो गए, अब खेत में काम नहीं होता है और ये घास नहीं काट पाती हूँ, भैंस नहीं पालती हूँ। अब कब तक काटेगी फिर घास? फिर अब बुढ़ी हो गई हूँ, अब क्या करे? अब क्यों कब तक काटेगी घास? इतने उम्र से तो 40 साल से तो घास ही काट रही, 40-50 साल। अब खेत में काम हम कुछ नहीं होता है, पहले तो बहुत काम किया। अच्छा, अब पहले तो बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं, अकेला सारा कारोबार, सारा कारोबार। दो दो भैंस होते थे, उनके गोबर ओबर सब निकालती थी, खेत में फेंकती हूँ। आप बुढ़े हो गए हूँ, मेरा बुढ़ा भी बुढ़ा हो गया, आप हल नहीं चला सकते हैं, फिर भी चला रहे, फिर भी ऐसे करते हैं। लड़का एक है उसके उधर, ये इनका नाती है या आपका नाती? ये मेरा नाती है, स्कूल जाता है। स्कूल जाता है, सही बात है। ये आपका खेत है? पैदल काटा जाता है। पैदल जाता नहीं, गाड़ी में जाता? नहीं, पैदल जाता है। तो इसके लिए स्कूटी ले लो, स्कूटी में चले जाएगा। अरे कहाँ से लेंगे स्कूटी, क्यों देवी जी, स्कूटी में जल्दी आ भी जाएगा। गरीब आदमी ठहरे, पैसे नहीं है। गरीब मत बोलो, गरीब नाती यहाँ स्कूल जाते हैं, वहाँ से सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं। सही बात, वह क्यों ना, मेरे को तो परेशानी हो जाती है जब बच्चे नहीं आते हैं घर में, उब तक मेरी परेशानी बहुत हो जाती है। कपड़ा बोर्ड का तो पुराण हुआ बहुत है, पुराण बुढ़ा दिन बेटी रहने के बावजूद भी खेती की ओर इनका इतना रुझान है कि देखो दीदी, बहुत खेती बाड़ी करी अपने। शकल से मुँह से, शकल से क्या लेने देना, बुढ़ी ठहरी। फिर उम्र उम्र हो गई, कितने उम्र हो गई देवी जी? हो गई 65 साल। 65 उम्र होने के बावजूद भी इतना काम करे और अपने आप को फिट रखा है, खड़ुआ या और बाहर के लोग खोदते हूँ खेत में। जो लोग बाहर अपने बच्चों को रखे हैं उनकी बीबी अभी तक सोए होंगे, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और देखो गाँव में कितना काम। 7 बजे आ गई थी, 7 बजे मैंने यहाँ, 7 बजे बीजो खड़ो, बगार खान, बुलदे खान, कदो काम हुई घर में गोबर गाड़ो। फिर कदो काम, बिहारगंज जो है ना पड़े होने लाला जी, मुर्गी गाड़े, फिर बकरी खोला, कितना काम का प्रेशर हुआ। और जो बाहर को है वो सोए होंगे, सोए होंगे वो, क्योंकि आज संडे है ना, आज लोग 10 बजे से पहले नहीं उठते हैं। हमारा घर तो उठते हैं, सब काम करते हैं, फिक्स टाइमिंग है, खेत में जाना पड़ता है टाइम में, फिर बच्चे को खाना खिलाते हैं टाइम पर उठ के, गाय बाछ को घास खिलाते हैं। सही बात है, हैं? सही बात। और सबसे बड़ी बात यह है, 10 साल उप प्रधान रहने के बाद भी इनके अंदर कोई वो नहीं है, अभी भी अपने खेती बाड़ी में उतना ही ध्यान देते हैं जितना पहले देते थे, उतना अभी भी देते हैं। हाँ, अब बुढ़ी भी होगी फिर भी जाती है, बराबर नहीं होता। जो मेरे साथ के हैं सब बैठ गए हुए, मैं भी चलती हूँ, इतना काम कर रहे हैं, काम करती हूँ। अब ये खड़ो, अब ये काम करेंगे अपना, थोड़ा इनका काम दिखाते हैं आपको और आप इनको लाइक जरूर करें, प्लीज आप इनको लाइक करें और देखें। ये ऐसी उम्र में भी इतना काम करने के बावजूद बहुत बड़ी बात है, पता नहीं हम लोग इस उम्र में आने के बाद इतना काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वक्त ही बताएगा। अभी क्या बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल है, पर डे बाई डे काफ़ी वो हो रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी मैं भी काफ़ी प्रेरित हुआ इनको देख के, तभी स्पेशली इन पर एक ब्लॉग बनाया आज, क्योंकि गांव की स्पेशली 2 बार उप प्रधान, इसके बाद इतना काम करना बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में इनका एक अलग ही बात है। 70 की उम्र होने के बावजूद भी कितने फिट अपने आप को भाई साहब ने फिट रखा है, इसके बाद हल जोत रहे, देखो अपने आप को काफ़ी फिट रखा हुआ है और इस सुबह सुबह इतना हार्डवर्क, यानी
मैंने तो बचपन में किया था, इसके बाद कभी किया नहीं। बचपन में कभी कभी किया था, बट ये काम कभी कभी इतना मैंने हलाल नहीं जोता, क्योंकि मैं बचपन से घर से बाहर ही रहा। देखो काफ़ी हार्ड वर्किंग, सुबह सुबह देखो हल जोतना, सुबह उठ के सुबह 6:30 बजे आना। वो प्रधान देवी दी ये खड़ रहे हैं देखो खेत को अपना, ये इनका खेत है इस एरिया पे, ये वन बाय वन है, ये किसी और का, ये किसी और का, ये इनके हैं तीन खेत छोटे छोटे। यहाँ विदाउट वाटर, विदाउट पानी का खेत होता है। काफ़ी अपने काम में काफ़ी जुनून होना भी चाहिए, है नहीं? अपने देखो गाइस, जो बच्चे कितना काम कर रहे हैं सुबह सुबह। देखो अभी छोटी सी बच्ची खेत में सुबह सुबह खाद डाल ली है, ये स्पेशली हमारे वहाँ खाद होता है गोबर का। कितनी मेहनत कर रही है, आज इसकी छुट्टी है संडे को, संडे को भी बिजी रखी है नहीं? इधर को देख, साथ में कहाँ? जेठाई, वेरी गुड, साथ में पढ़ती है। देखो कितना काम कर रही सुबह सुबह।